नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। छत्तीसगढ़ कॉन्क्लेव में सीएम भूपेश बघेल का दावा, बदले हालात, नक्सलियों के हेडक्वार्टर को बनाया स्कूल। छत्तीसगढ़ कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी सरकार की योजनाओं और आम जनता के लिए किए जा रहे कामों के बारे में खुलकर बात की। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ की नक्सल समस्या पर भी अपने विचार रखे और नक्सलियों के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि नक्सल समस्या पर हमने चौतरफा वार किया है, नक्सलवाद अभी छत्तीसगढ़ से पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इस बात को भूपेश बघेल ने भी माना। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद की समस्या अब राज्य में है, लेकिन हालात बेहतर हो रहे हैं। हमने आदिवासियों को उनकी जमीन वापस की है। छत्तीसगढ़ में ट्रेनों के कैंसिल होने से आम आदमी परेशान। छत्तीसगढ़ में रेलगाड़ियों का अनियमित परिचालन हो रहा है, जिससे लाखों लोगों को परेशानी का दौर से गुजरना पड़ रहा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर कहा है कि रेलवे द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी बड़ी संख्या में यात्री ट्रेनों को कैंसिल करने की सूचना जारी कर दी जाती है। कैंसिल ट्रेनें कब तक नहीं चलने वाली है, इसकी भी जानकारी यात्रियों को नहीं दी जाती। उन्होंने कहा, यात्री ट्रेनों की रस्ती के अलावा ट्रेनों के अत्यधिक विलंब से चल रही हैं। शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए 58% लागू होगा आरक्षण। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आज मंत्री परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में भूपेश कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। जानकारी के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण लागू होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 58% आरक्षण लागू होगा। भूपेश कैबिनेट में शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण पर मोहर लगा दिया है। शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों 58% आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण से होंगे स्कूल कॉलेजों में एडमिशन। सीएम हाउस में आयोजित भूपेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में पहले जैसी आरक्षण व्यवस्था के तहत एडमिशन प्रोसेस पूरा किया जाएगा, इसके निर्देश जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए राज्य शासन की ओर से दायर SLP में पारित अंतरिम आदेश पर 1 मई 2023 के अंतर्गत राज्य में पहले जैसी आरक्षण व्यवस्था के अनुसार नियुक्ति चयन प्रक्रियाओं को जारी रखने के निर्देश दिए हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं भी प्रवेश प्रक्रिया पहले की तरह आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत करने का निर्णय लिया गया है। सीएम के भेंट मुलाकात पर भाजपा का हमला, कहा भेंट नहीं सेट मुलाकात कर रही कांग्रेस सरकार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के युवाओं से भेंट मुलाकात कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ भाजपा ने सेट मुलाकात करार दिया है। भाजपा सांसद संतोष पांडे ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जिन जगहों पर युवाओं से भेंट मुलाकात का करने का जा रहे हैं, वहां पहले से ही फरमान पहुंच जाता है कि क्या बोलना है, क्या पूछना है, क्या बताना है। अगर कोई बेटा या बेटी प्रायोजित सवाल से हटकर कोई वास्तविक सवाल पूछ ले तो उनसे माइक छीन लिया जाता है। 9 अगस्त को छत्तीसगढ़ में मनाया जाएगा विश्व आदिवासी दिवस। राज्य सरकार 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस को छत्तीसगढ़ में व्यापक स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है, जिसके लिए प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मंत्रालय सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इन कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि नामांकित किए गए हैं। मुख्य अतिथियों में मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा, मंत्रीगण, संसदीय सचिवों, विधायकों के नाम शामिल किए गए हैं। नामांकित नामों के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरगुजा और बस्तर में आयोजित विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। चुनाव से पहले सीएम का बड़ा दावा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों से छत्तीसगढ़ में पिछले 4.5 वर्षों में कृषि, उद्योग, व्यापार के क्षेत्र में उत्साहजनक वातावरण निर्मित हुआ है। राज्य सरकार की नई उद्योग नीति से नए नए उद्योग धंधे प्रारंभ हुए हैं। खेती किसानी आज छत्तीसगढ़ में लाभ का व्यवसाय बन गया है। पिछले 4.5 वर्षों में प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों की संख्या 12 लाख से बढ़कर 26 लाख हो चुकी। खेती का रकबा 22 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 32 लाख हेक्टेयर हो गया है। समर्थन मूल्य पर पहले जहां 55 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी होती थी, वहीं इस वर्ष हमने 107 लाख मैट्रिक टन धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी की है। कांग्रेस ने बदला छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का ऑब्जर्वर। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का ऑब्जर्वर बदल दिया है। मीनाक्षी नटराजन की जगह डॉक्टर सिरिवेला प्रसाद को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मीनाक्षी नटराजन को तेलंगाना का ऑब्जर्वर बनाया गया है। आपको बता दें कि नटराजन और प्रसाद की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। सिरिवेला प्रसाद आंध्र प्रदेश के कांग्रेस नेता है, वर्तमान में AICC के प्रभारी सचिव तमिलनाडु है। इससे पहले सिरिवेला प्रसाद AICC के अनुसूचित जाति विभाग के संयोजक भी रहे हैं, दलित ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट भी रहे हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे का छत्तीसगढ़ दौरा।
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को अब बस कुछ ही महीने बचे हैं। इसकी तैयारी को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारी तेज कर दी है। वहीं सत्ता बरकरार रखने कांग्रेस ने भी जी जान लगा दिया है। चुनाव को देखते हुए कई बड़े मंत्रियों का दौरा भी लगातार जारी है। इस बीच खबर आ रही है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 13 अगस्त को छत्तीसगढ़ आएंगे। इसकी जानकारी पीसीसी चीफ दीपक बैज ने दी है। गोधन न्याय योजना के लाभार्थियों के खाते में पहुंची 15,29,00,000 राशि। दूध नहीं देने के चलते अन्ना छोड़ दी जाने वाली गायों के रखरखाव के लिए लोगों को प्रेरित करने और गौपालकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार गोधन न्याय योजना चला रही है। योजना के तहत सरकार गोबर और गौमूत्र खरीदती है और इससे कई तरह की वस्तुएं बनाई जाती हैं। योजना के लाभार्थियों और इससे जुड़े लोगों के लिए राज्य सरकार ने 15,29,00,000 रूपये की राशि जारी कर दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते 5 अगस्त को गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 15,29,00,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की है। छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ेगी आप। आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब के बाद अब पूरे दमखम से छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। इस बीच राज्य में सदस्यता ग्रहण समारोह एवं बदलाव यात्रा के आयोजन में आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी एवं पंजाब के विधायक हरदीप सिंह मुंडिया बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए, जिन्होंने तेजराम विधोई को उनके 210 समर्थकों सहित आम आदमी पार्टी में प्रवेश दिया। मुख्य अतिथि हरदीप सिंह मुंडिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी। छत्तीसगढ़ में पानी से बिजली बनाने वाले अभी 4 प्लांट। छत्तीसगढ़ अब पानी से बिजली बनाने की तकनीक में एक कदम आगे निकलने की तैयारी कर रहा है। अभी प्रदेश के 4 बांधों में हाइडल प्रोजेक्ट लगे हैं, जिनसे साल भर बिजली पैदा हो रही है। लेकिन बांधों में पानी कम होने के बाद दिक्कत यह आ रही है कि गर्मी में एक आध यूनिट ही चलती है, बाकी बंद करनी पड़ती है। इस वजह से सरकार ने इन बांधों के अलावा अन्य बांधों में कुल मिलाकर 5 नए तथा पंप तकनीक वाले हाइडल पावर प्लांट लगाने की तैयारी कर ली। अभी देश में कुछ बांधों में इस तकनीक से साल भर हाइडल बिजली का उत्पादन हो रहा है। मोदी सरकार ने दिया झटका तो बौखलाया चीन का ग्लोबल टाइम्स। भारत सरकार ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए बीते दिन बड़े फैसले में लैपटॉप और कंप्यूटर के आयात पर बैन की घोषणा की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि अब इन सामानों के आयात के लिए वैध लाइसेंस लेना जरूरी है। सरकार का यह फैसला 1 नवम्बर 2023 से लागू हो जाएगा। भारत के इस कदम से चीन को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वहां का इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बहुत बड़ा है और लैपटॉप कंप्यूटर बेचने वाली लगभग सभी कंपनियां चीन जैसे देशों से ही भारत को सप्लाई करती है। चीतों की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने बंद की सुनवाई। मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में 9 चीतों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि चीतों को देश में बसाने में कुछ समस्याएं जरूर है, लेकिन चिंता करने जैसा कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की दलीलों को स्वीकार करते हुए सुनवाई बंद कर दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि भारत में चीतों को बसाने के प्रोजेक्ट पर सरकार से सवाल पूछने का कोई कारण नहीं है। कुनू में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से 20 चीतों को लाया गया। 4 शावकों ने यहां जन्म लिया है। इनमें से 6 चीतों और 3 शावकों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में आज भी बरसेंगे बादल। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं। दिन भर धूप छाव के बाद राजधानी रायपुर समेत कई जगहों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। आज भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। विशेष रूप से उत्तर छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा संभाग में भारी वर्षा के आसार है। बीते 3 दिनों में प्रदेश के कोरबा, मनेन्द्रगढ़, गोरेला पेंड्रा, मरवाही और जशपुर जिले में कई जगहों पर तेज बारिश हुई है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।